हेलो फ्रेंड्स, नंदनी कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले मेथी से बहुत ही स्वादिष्ट मठरी। तो आप देख सकते हैं, सर्दियों के मौसम में तो मेथी तो बहुत सारी मिलती है, वो भी हरी भरी। और मेथी कितनी फ़ायदेमंद है ये तो सारे लोग जानते हैं, और इसकी मठरी भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो हमने मेथी को पहले अच्छे से धो लिया था, उसे हमने कट कर लिया हुआ है बारीकी से। तो आप देखो, ये हमने 200 ग्राम मेथी ली हुई थी। कढ़ाई पे थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब तेल डाला है, अगर आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। तो इसे हम धीरे धीरे चलाएंगे और इसे हम भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमें इसे भूनना है। मेथी तो कड़वी होती ही है लेकिन फ़ायदेमंद भी होती हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी मेथी भुन चुकी है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और हमने इस कटोरी से 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया हुआ है, और ये हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। और हमने उसके 1 कटोरी से थोड़ा सा कम सूजी लिया हुआ है, 1 चम्मच हमने पीसी हुई चीनी ली हुई है, और नमक लिया हुआ है स्वाद अनुसार, और हमने 1 चम्मच कूटी हुई काली मिर्च ली हुई है, और 1 चम्मच हमने लाल मिर्च ली हुई है, 1 चम्मच हम सफ़ेद तिल लिया है, और 1 चम्मच हमने लिया था अजवाइन, और 1 छोटी चम्मच हमने खाने वाला कलर लिया था। और उसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 1 बड़े चम्मच हमने तेल लिया था मैन के लिए। तो हमने मिक्स कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो थोड़े थोड़े पानी डालकर इसको हम मेथी को इसमें डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से, और मेथी आपस में चिपक जाती है भूनने से। तो इसे हम हाथ से अच्छे से करेंगे, हटा हटा के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हम दोनों हाथ के सहारा लेकर अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो आप चाहे तो एक हाथ से भी कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो हमने एक डो तैयार कर लिया हुआ है। इसे हम 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। तब तक हम इसमें 2 चम्मच मैदा लिया था, और 4 से 5 चम्मच हम इसमें तेल डालकर इसका गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, हमने इसमें तेल का उपयोग किया हुआ है। तो इसे हम खूब मस्त फेंट लेंगे ताकि वो एकदम स्मूथ हो जाए। और चलिए आटे को हम थोड़ा मसल लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाला था, तो थोड़ा सूजी भी रेस्ट करके थोड़ा फूल गया होगा। तो इसका हम एक बड़ा लोई बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसका हम एक बड़ा लोई बना लेते हैं, और इसमें हम आटा में थोड़ा सा डस्टिंग करेंगे, और इसे हम बेल लेंगे। तो चलिए इसे बेल लेते हैं, बहुत ही आसानी से बेल जाता है। इसमें थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर हम बेलते जाएंगे ताकि ये चिपके नहीं। तो हमने बेल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसमें फिर हम लगाएंगे इस मिक्सचर को। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम लगा लेते हैं पूरे रोटी में, हम इसे अच्छे से लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, और इसमें हम थोड़ी थोड़ी मैदा डस्टिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं, और इसे हम फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसमें भी फिर से हम लगाएंगे, देख सकते हैं आप। और फिर इसमें भी हम मैदे की डस्टिंग करेंगे, और फिर इधर से हम मोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं, और इसे हम थोड़ा सा आटा लगाकर बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, चलिए इसे हम बेल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसे बेल लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से बेला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप इसे फिर हम इसमें लगा लेते हैं जो हमने पेस्ट बनाया था वो, और इसे फिर हम मैदे की डस्टिंग कर लेते हैं, और इस फिर से वापस हम इसे ऐसे ही मोड़ेंगे जैसे हमने मोड़ा था। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। और वापस से फिर इसमें हम लगा लेते हैं मिक्सचर को जो हमने पेस्ट बनाया था, और फिर से हम मैदे की डस्टिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं,
तो इस तरीके से फिर से हम इसे बेल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आटा लगा के हम इसे बेल लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। तो चलिए हमने बेल लिया हुआ है, अब लास्ट प्रोसेस है ये, तो फिर से हम इसमें लगा लेते हैं। और हम देख सकते हैं तो हमने लगा लिया हुआ है, इसमें फिर से डस्टिंग कर लेते हैं मैदे की। और फिर इसमें हम लगा लेंगे और लगाने के बाद फिर इसको फोल्ड करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स। और इसे थोड़ा थोड़ा हाथ से दबाएंगे और हल्के हाथों से हम इसमें बेलन चलाएंगे, हमें ज़्यादा इस पर दबाव नहीं देना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो सर्दी का मौसम है तो एक बार बनाना तो बनता है फ्रेंड्स, और एक बार बनाएंगे तो 2 महीनों तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं चाय के साथ। तो चलिए हम अब दूसरी बना लेते हैं। दूसरी दो तरह की हम बना रहे हैं मटरी, तो दूसरी वाली बना लेते हैं डिजाइन। तो इसे हमने 3 लोई तोड़ लिया हुआ है और इसको हम 3 लोई बना लेते हैं। अब हम 3 रोटी तैयार करेंगे। तो हमने एक बड़ा सा थाली ली हुई है, उसी पे हम बेलेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा आटा लगा के हम इसमें इसे बेल लेते हैं पतला सा। तो चलिए फिर इसे हम बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने बेल लिया, दूसरी रोटी फिर बेलेंगे। तो चकले हमने रख दिया हुआ है, इस चकला पर बेलेंगे। तो चलिए फिर इसे हम बेल लेते हैं। तो हमने इसे भी बेली है, तो ऐसे ही हमें 3 रोटी तैयार करनी है। इस पर हम लगा लेते हैं ये बेटर को और चारों तरफ फैला लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम चारों तरफ इसे फैला लेते हैं और इस पर भी हम मैदे की डस्टिंग करेंगे थोड़ी थोड़ी सी। और इस पर हम दूसरी रोटी रख देंगे और इस पर भी फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। फिर से हम इस बेटर को लगा लेते हैं अच्छे से चारों तरफ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और फिर से हम इस पर मैदे की डस्टिंग करेंगे और तीसरी रोटी को रखेंगे। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, तीसरी रोटी को भी हम रख देते हैं और इसको हम बेल लेंगे। तो चलिए इस थाली में बेल लेते हैं, क्योंकि ये थाली बड़ी है तो इस पर बेलने में हमें आसानी होगी। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इसमें हम आटा लगा लेते हैं और इसे हम बेल लेते हैं। अगर आप चाहें तो मैदा भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसे हम बेल लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम बेल लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमने बेल लिया हुआ है और फिर इसमें हम लगाएंगे, इस मिक्सचर को हम लगाएंगे फिर से और चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। तो चलिए हम इसे फैला लेते हैं। फिर से हम इसमें भी मैदे की डस्टिंग करेंगे और चारों तरफ करेंगे और इसे हम फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। तो देख सकते हैं हमने फोल्ड कर लिया हुआ है और इसे थोड़ा थोड़ा हाथ से दबा लेते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो आप देख सकते हैं, चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। इसे कुछ इस तरीके से हम इसे कट कर लेते हैं, इसका शेप अलग है। तो चलिए हम इसे भी कट कर लेते हैं। तो सारे पीसेस हमने कट कर लिए हुए हैं, तो चलिए एक प्लेट में हम रख लेते हैं इसे। तो देख सकते हैं, चलिए तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और खस्ता बनती है फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बताएं कि मेथी की मटरी कैसी बनी है। तो ये तो हेल्दी तो होगी ही, क्योंकि हमने मेथी के साथ साथ आटा का भी उपयोग किया हुआ है। तो चलिए ये हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम दूसरी वाली डालते हैं। तो अब हम ये वाली डालेंगे। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे भी डालकर हम फ्राई कर लेते हैं और हम इसे पलट लेते हैं। चलिए
इसे हम अच्छे से पलट लेते हैं एक एक करके। तो देख सकते हैं तो ये हमारी सुनहरी रंग की हो चुकी है। अब देख सकते हैं कितनी बढ़िया कलर आई है इसकी। तो चलिए फिर इसी से हम निकाल लेते हैं। एक प्लेट में हमारी मेथी की मटरी बनकर तैयार हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे आप चाय के साथ या चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं कितनी खस्ता बनी है। आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता बनी है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, हमें कमेंट में बताएं कि कैसी लगी मेथी की रेसिपी।